नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमेश तिवाड़ी के एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं काफ़ी दूर आ रखा हूँ, हमारे शालदे ब्लॉक के ही एक जगह पर आया हूँ और काफ़ी दूर। जी हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ आज सरंखेत की तरफ को, और अभी मैं सरंखेत से भी आगे हूँ, एक पहाड़ी पर, एक टापू पर। और यहाँ जो प्रकृति का जो नज़ारा होता ना दोस्तों, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बहुत ही अच्छा, एक ऐसा पॉइंट है। यहाँ से पूरी वादियाँ दिखती है हमारे शालदे घाटी की, और इधर सामने आप देख रहे हो सरंखेत का मार्केट भी दिख रहा है। सब कुछ आपको दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि दिवाली के टाइम पर सरंखेत का बाज़ार कैसा भीड़ होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में शालदे घाट की मार्केट दिखाया, तो आज मैं आपको सरंखेत की मार्केट दिखाऊँगा, कैसा वहाँ का हालचाल है, कैसा क्या है करके, तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए चलते हैं, पहले आपको थोड़ा नज़ारा दिखा दें। और दोस्तों, आज का मौसम हल्के बादल लगे हैं, सुबह से ही आज काफ़ी ठंड हो रही थी और बादल ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आई करके, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल साफ है। और यह है सरंखेत का इलाका दोस्तों, और क्या अल्टीमेट नज़ारे हैं यार दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो दूर पूरा एरिया दिख रहा है उधर, यहाँ से हिमालय भी दिख रहा है, लेकिन अभी बादल लगे हुए हैं, वो उधर पूरा हमारा जो रशीद है उधर का एरिया दिख रहा है, पूरा दूनागिरी से लेके नागचूला पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ से। और आप देख सकते हो ये सामने सरंखेत है, ये आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये इधर सरंखेत का मार्केट है, अभी आपको मार्केट में ले चलेंगे। और ऊपर सरंखेत, और ऊपर जूनियागढ़ी का किला भी दिख रहा है यहाँ से दोस्तों, काफ़ी सुंदर जगह है। और ये आप देख सकते हो, और एक ऐसी आज मैं कैंपिंग करने आया हूँ, सोच तो रहा हूँ कि यहाँ पर कैंपिंग करूँ, देखो क्या क्या होता है, कैंपिंग करता हूँ या फिर ब्लॉग बनाता हूँ। और ये आप देख सकते हो, क्योंकि आज मैं अकेले आया हूँ तो इधर थोड़ा अनजान इलाका है, इसलिए मैं देखता हूँ कैंपिंग करता हूँ, ये आपको वीडियो दिखाऊंगा। और दोस्तों, आपको एक सारसों एक गांव है ना सरंखे से जस्ट 2 किलोमीटर आगे नीचे, तो यहाँ जो खेती बाड़ी होती है दोस्तों, बहुत ही सुंदर होती है यहाँ की खेती बाड़ी। आप देख सकते हो सामने सारसों का गाँव दिख रहा है हमें, और ये है कुछ इस तरह का नज़ारा। ये दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आपको ले चलता हूँ सीधे सरंखेत का मार्केट, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, आज मैं इधर सरंखेत में आया हुआ हूँ, और आप देख सकते हो दिवाली का सीजन है, और यह है सरंखेत की मार्केट, बिल्कुल खामोश, हर जगह ऐसी हाल है, कहीं भी देख लो आप, दिवाली की कोई इतनी ज़्यादा रौनक नहीं। ये है सरंखेत का मार्केट, ये आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं अभी खुली हुई, लेकिन लोग बहुत नाम मात्र के हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन बाहर से आ रहे हैं तो सीधे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो दोस्तों, सरंखेत की मार्केट, काफ़ी कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं बाहर से, लेकिन क्योंकि गाँव में हर जगह रोड होगी इसलिए ये आ रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे कहीं पर। और ये है हाल कुछ इस तरह,